Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Nidhi. So for today's video, we are going to see my first Karwa Chauth experience in US. It wasn't that bad actually. So I'm just going to show you things that I have done as a shopping here. Actually, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशंस पे रह रहे हो. अभी हम लोग टेक्सास में रहते हैं एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे नियर बाय में दो इंडियन स्टोर्स है. वन इज़ पटेल ब्रदर एंड द अदर वन इज़ इंडिया बाजार. नॉर्मली हर साल पटेल ब्रदर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, बट वुड टच इस बार यहाँ पे भी अवेलेबल थी. तो उससे पहले हम लोग इंडिया बाजार गए थे, जहाँ पे मुझे जो भी बेसिक चीज़ें करवा चौथ की वो तो मिली गई. लुक, हमें इंडिया जितनी चीज़ें तो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो सकती, बट स्टिल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो मुझे मिल गई. तो मैं वहाँ से दो करवा लेके आई थी. आई डोंट नो मैं क्या सोची थी पैकिंग करते टाइम, मैं वहाँ से करवा लेके ही नहीं आई. एक करवा होता है जो आपको आपके मायके से मिला होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर आप हर साल करवा चौथ में वही यूज़ कर रहे हो, और एक जो आप नया परचेज करते हो, और मैं लेके नहीं आई. सो मैंने दोनों करवा जो है वो नए लिए. तो जो मैंने एक करवा लिया वो था दिस क्यूट लिटिल रेड वन जो पूरा डेकोरेटिव है. आई लव इट. इसमें दिया रखने के लिए दे हैव गिवन इट. और इसमें है हम अपने सारा जो भी हम आज पूजा के लिए चीज़ें बनाते हैं, दैट छोटी छोटी पूड़ियाँ और मीठा, वो सब इसमें स्टफ करके रखते हैं. एंड द सेकेंड वन जो मैंने लिया वो था जिससे हम नॉर्मली चांद को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, जिसमें पानी फिल करते हैं, वो है दिस वन. आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी इसमें पूजा कर चुकी हूँ. उसको टॉप करने के लिए मैंने ये दिए का सेट खरीदा था, तो फार गुड इनफ. और कलश रखने के लिए मैंने ये लोटा खरीदा. तो आपको इवन कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते, नारियल, जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब मिलती है यहाँ पे. कोई दिक्कत की बात नहीं है. द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे यहाँ पे लगा वो ये है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर जैसे ये सारी पूजा वाली, वो सब यहाँ पे इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ट्रिपल बजट पे मिलेगा. तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो मेक श्योर करो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करके ला रहे हो. और अगर आप नहीं लेके आए तो गाइस इट्स ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, यू जस्ट हैव टू पे मोर. तो इट्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. अगर हम यहाँ पे फिर से रह रहे हैं तो इट्स ओके, हम फिर से यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप यू नो ये सारी चीज़ें विसर्जित कर सको. यहाँ पे कोई नदी तालाब ये सब मिलेगा नहीं, और अगर है भी तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. तो या लेट्स स्टार्ट विथ माई करवा चौथ डायरीज. ओके गाइस, तो जो हम सबसे पहले चीज़ करने वाले हैं वो है स्वीट्स. कोई भी फेस्टिवल हो या स्वीट्स तो इम्पोर्टेंट होता ही है. तो नॉर्मली मैं हर साल करवा चौथ में क्या करती थी, अगर तीन या पांच तरह का स्वीट चढ़ना है तो कोई एक या दो स्वीट्स हम घर पे बना लेते थे एंड द रेस्ट वी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट. दिस टाइम यहाँ पे नियर बाय इंडियन स्टोर्स हैं, आई हैव पटेल ब्रदर्स, इंडिया बाजार. बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे आई डोंट नो, वो जितने भी स्वीट्स हैं ना वो फ्रेशली मेड नहीं है. दे आर पैक्ड स्वीट जो कि इंडिया से उन लोगों ने इम्पोर्ट किया है. सो आई डोंट नो वो फ्रेश है, वो क्या है, वो टेस्ट कैसा है, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स हैं जिसका नाम तो मैंने आज तक सुना भी नहीं है. तो मैंने डिसाइड किया क्योंकि ये पूजा में चढ़ता है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे खाएं, फेंक नहीं सकते उसे. तो आई विल बी मेकिंग माई ओन स्वीट्स. आई एम वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू स्वीट. मेबी दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ मी. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी मेकिंग माई ओन स्वीट्स एट होम टूडे. राइट नाउ द थिंग दैट आई हैव इन माइंड दैट आई एम गोइंग टू मेक थ्री स्वीट्स. वन इज गोइंग टू बी बेसन के लड्डू, द सेकेंड इज गोइंग टू बी पिन्नी चावल के लड्डू, एंड द थर्ड इज गोइंग टू बी ओट्स एंड बनाना के लड्डू. आई गेस लिटिल बिट हेल्दी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने रात में ही बेसन को घी में रोस्ट करके रख लिया था. तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखाती हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ एंड एवरीथिंग फॉर टुडेज करवा चौथ. सो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने बेसन ऑलरेडी रात में मैंने उसको घी में सेक के रख लिया था. ये थोड़ा सा मेल्टेड घी है क्योंकि बांधते टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि लड्डू में प्रॉपर अमाउंट ऑफ घी हो. मैं यहाँ पे दरदरा चीनी यूज़ नहीं करूँगी. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पाउडर्ड शुगर क्योंकि मुझे सॉफ्ट और एकदम मुँह में मेल्ट होने वाले बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं. लास्ट नॉट द लीस्ट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम कार्डमम जो मैंने कूट के रख ली है एंड अ लिटिल बिट ग्रेटेड कोकोनट. तो Let's start.
ओके गाइस, अब हम सेकेंड रेसिपी के लिए जा रहे हैं, वो है चावल के लड्डू, जिसे हम पिन्नी भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप उसको 4 to 5 hours के लिए सोक करके रख सकते हो, एंड देन उसके बाद उसको एक अच्छे से टॉवल में प्रॉपर ड्राई करके उसको रोस्ट करते हैं एंड देन उसको ग्राइंड कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी चावल का आटा था तो मैंने यहाँ पे, लेट मी शो यू, आटा ऑलरेडी है तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, विदाउट एनी घी कुछ नहीं, ऐसे सूखा ही उसको एकदम मद्दी आंच पे उसको रोस्ट कर रही हूँ। तो जब ये मुझे हल्का सा उसमें वो भूंजी हुई वो सूंधी सूंधी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा दैट यू आर गुड टू गो। ओके गाइस, तो फॉर द थर्ड रेसिपी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे 3 types के ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, आलमंड्स, पिस्ता एंड वॉलनट। उसे मैं नॉर्मली ड्राई रोस्ट करूँगी, देन आई विल, इट्स बेटर टू शो यू, राइट, लेट्स गो। Jaggery balls and I'm just going to grind it. So I already have jaggery in it with little bit of almonds. Now I'm just going to grind it. Take my roasted oats, fruits. Now again, I'm just going to take the same pan and I will mix all the things together. My favorite. ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा सा घी जो है वो अपने हाथ में अप्लाई कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा क्वांटिटी अपने हाथ में लूंगी एंड आई एम गोइंग टू बाइंड इट। यू नो, व्रत में जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो सबसे टफ टास्क एक्चुअली वो चीज़ बनाने नहीं है, सबसे टफ टास्क है कि सारा काम ना अंदाजे से चलता है, यू कैन नॉट टेस्ट इट। तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें राइट अमाउंट ऑफ शुगर है, जागरी है, ये प्रॉपर मीठा है कि नहीं है, कोई चीज़ का कम ज़्यादा तो नहीं है, पूरा काम अंदाजे से चलता है। सो लड्डू इज रेडी। ओके गाइस, सो वी आर डन मेकिंग स्वीट्स, नाउ इट्स आवर टर्न टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई सम मेहंदी एंड इट्स रियली गुड। आई हैव अ फ्रेंड, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था दैट यस्टरडे मैं उसको मेहंदी लगा दूंगी, एंड क्योंकि मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट पे लगा सकती हूँ बट लेफ्ट हैंड से राइट पे नहीं लगा सकती, तो शी विल हेल्प मी आउट विथ माई राइट हैंड। तो लेट्स सी, आई एम नॉट अ प्रो इन मेहंदी, है ना, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। तो जो मेहंदी का डिज़ाइन जो मैंने फाइनल किया है वो ये है, आई जस्ट शो यू गाइस। तो मैंने ये डिज़ाइन फाइनल किया जो मैं अपने लेफ्ट हैंड पे लगाऊंगी। थिंक यू लाइक द डिज़ाइंस, सो आई जस्ट विश कि मैं उतने अच्छे और फिनिशिंग के साथ ही डिज़ाइन लगा पाऊँ। तो लेट्स सी। ओके गाइस, सो माय वन हैंड इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड प्लेस फॉर माय सेकंड हैंड। ओके गाइस, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं पहले घर की पूजा करूंगी, उसके बाद हम सब साथ में इकट्ठे होकर के चांद देख करके अपना अपना फास्ट तोड़ेंगे। सो जो मैं आज लुक के लिए गई हूँ वो है काइंड ऑफ देसी इंडियन नारी लुक। सो आई हैव वोर दिस पिंक एंड इट हैज़ अ एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर। मेरे पास एक्चुअली इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मैं यही सिर्फ एक साड़ी लेके आई थी इंडिया से। इसके साथ मैंने ये पर्ल एसेसरी मैच की है, दिस इज माय मंगलसूत्र, आई लव इट, दिस इज लिटरली समथिंग दैट आई कैन नॉट लीव। सो या, सो
So I have made a bun and added some floral accessories. So let's start. Let's do puja and then I will catch. Okay guys, so उस दिन चांद बहुत लेट निकला था. It was damn cloudy. है ना, तो घर की पूजा होने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना खुद की थोड़ी बहुत फोटोज वोटोज ही खींच ली जाए जब इतने तैयार भी आ रहे हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सम ऑफ द फोटोज दैट आई क्लिक्ड इन माई हाउस. उसके बाद हम सब लोग नीचे गए. हम लोग काफ़ी देर तक साथ खड़े रहे, चांद निकलने का वेट करते रहे. मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे थे. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम ऑफ द ग्रुप फोटोज दैट वी हैड. एंड आई एम सो सॉरी, मैंने एक्चुअली पूजा करते टाइम का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि चांद काफ़ी देर तक नहीं निकला. इट वॉज 10:30 अराउंड जब चांद निकला एंड वो इतना हड़बड़ में निकला क्योंकि इट वॉज क्लाउडी. वो एकदम से आता था, वो फिर तुरंत बादलों के पीछे चला जाता था. तो हम लोग ने एकदम फटाक फटाक पूजा की, फटाफट अपना व्रत व्रत तोड़ा और फिर सब घर वापस आ गए. तो ऐसा कुछ बना ही नहीं कि मैं शूट कर पाऊँ. जो चीज़ें मैं कंक्लूड करना चाहूँगी वो ये है कि आप जो भी दिए भी ये जला रहे हो, मेक श्योर करो आप उसको प्रॉपर टेक केयर में कर रहे हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना होता है. थोड़ी सी लापरवाही एंड यू नो आग लग सकती है. तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट द हाउस, क्योंकि सारे घर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इट्स अ सोसाइटी. तो अगर आपके घर में आग लगती है तो देयर इज 80-70% चांसेस कि बगल वाले के घर पे भी उसका अफेक्ट हो सकता है. बट ओवरऑल आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच गुड फ्रेंड्स. मेरा फर्स्ट करवा चौथ एक्सपीरियंस, इट वॉज गुड, एवरीथिंग वेंट वेल. एंड दिस इज समथिंग, ये एक ऐसा फास्ट है. एक्चुअली इसके अलावा भी दो तीन ऐसे फास्ट है जो मुझे एक्चुअली करने में मजा आता है. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि मुझे करना है, इट्स लाइक आई हैव टू डू बिकॉज आई लव टू डू एंड आई लव माई हस्बैंड अ लॉट. सो विदाउट अ डाउट मैं करवा चौथ बहुत अच्छे से टाम टीके के साथ रखना पसंद करती हूँ, विथ फुल टाम टीके जो शोर के साथ. तो आई होप आप लोग का भी करवा चौथ बहुत अच्छे से बीता हो. एंड दिस इज इट, दिस वॉज माई फर्स्ट करवा चौथ. टिल देन आप लोग अपने भी अपने अपने करवा चौथ का भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे करवा चौथ डायरीज की और बहुत सारी फोटोज देखनी है इंक्लूडिंग आस, तो यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम पेज. वहाँ पर मैंने अपने सारे फोटोज वगैरह अपलोड किए हैं. तो या चेकआउट माई इंस्टाग्राम पेज. ओके गाइज, अगर आप लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हाउ आई डिड माई मेकअप, हाउ आई डिड माई हेयर, हाउ आई गेट रेडी, सो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो या जस्ट लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट टू. ओके, टिल देन हैव अ हैप्पी एंड सेफ लाइफ. Because Corona is going. Bye bye.